आप सभी मित्रों का मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अभी स्टडी 95 पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं संख्या पद्धति से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो सभी एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे डिविजिबिलिटी क्या होती है, जिसे हिंदी में विभाज्यता बोलते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बहुत छोटी सी वीडियो है, आपको वीडियो पूरा देखना है, 5 से 10 मिनट आपको समय देना है, सभी कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो से। सभी के लिए मैं एक एक छोटा छोटा सा ट्रिक बताऊंगा जो आप जल्दी से जान जाएंगे कि टॉपिक है कि 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 8 से 9 से 10 से 11 से विभाज्यता का नियम क्या है। तो विभाज्यता का नियम क्या है, तो मतलब आपको ये समझना है ये संख्या 2 से विभाज्य होगी या नहीं होगी। तो हम ये चेक करेंगे कि 2 से भाज्य संख्या क्या है, इसके लिए बहुत एक छोटा सा नियम बताऊंगा और इस नियम के द्वारा आपको सिर्फ बातें समझनी है। अब देखिए फ्रेंड्स, 2 से भाज्य संख्या के लिए नियम है, नियम को आप देखते चलिए, फिर बाकी संख्या को आप कम समय में उड़ा दीजिए, देखते हैं ये आंसर लगाइए कि संख्या 2 से विभाज्य होगी या नहीं होगी। देखिए संख्या का अंतिम अंक 0 या सम संख्या हो, कोई भी संख्या दी हो, उसमें आपको देखना है कि उस संख्या का अंतिम अंक 0 है या सम संख्या है। सम संख्या में जैसे 2 है 4 है 6 है 8 है तो संख्या 2 से विभाज्य होगी। तो आप पूरे एग्जाम्पल में देखिए, इतने बड़े एग्जाम्पल में आपको ये चेक करना है कि लास्ट का अंक हमारा 0 है या सम संख्या है, वो संख्या 2 से विभाज्य होगी। फिर आप सीधे ऐसे ही बस देखेंगे और सीधे ही आप बता देंगे कि संख्या 2 से विभाज्य होगी या 2 से विभाज्य नहीं होगी। तो आइए देखते हैं, लास्ट का अंक मिल गया 6, यह संख्या 2 से विभाज्य होगी क्योंकि सम संख्या है, तो ये संख्या भी 2 से विभाज्य होगी। देखिए लास्ट में 0 मिल गया, यह पूरी संख्या 2 से विभाज्य होगी। लास्ट में 6 मिल गया, ये भी संख्या 2 से विभाज्य होगी। लास्ट में 3 मिल गया, अब आप बताइए 2 से विभाज्य नहीं होगी क्योंकि लास्ट में 0 और सम संख्या होना चाहिए, तभी ये संख्या 2 से विभाज्य होगी, ये संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगी। 2 से विभाज्य नियम को आप समझ गए बहुत आसान तरीके से। अब देखिए 3 से भाज्य संख्या को समझेंगे कि ये 3 से कौन कौन सी संख्या विभाज्य हो जाएंगी पूरी तरीके से। तो इसके लिए नियम है कि संख्या के अंकों का योगफल, नियम को बड़ा बारीकी से समझिएगा आप, मैं बहुत छोटे कंसेप्ट में लिख दिया हूँ ताकि वीडियो बहुत लंबी नहीं हो और आप कम समय में पूरी चीज़ें समझ जाएं। तो देखिए संख्याओं के अंकों का योगफल 3 से कट जाए या 3 से विभाज्य हो जाए, तो संख्याओं का आपको योगफल करना है, सभी नंबर को जोड़ देना है और देखना है कि वो संख्या 3 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अब आपको क्या करना है कि ये चेक करना है कि 1, 2, 3 में यह संख्या 3 से विभाज्य है या नहीं है। तो देखिए 2, 1, 3 और 3, ये 6 बताइए 3 से कटेगा ना, कटेगा, ये पूरी संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। अब इस नंबर को चेक करिए, 6, 5, 11 और 7, 18, 3, 21 21 आ गया, 21 भी 3 से कटेगा, तो ये पूरे नंबर भी 3 से कटेंगे। अब आगे देखिए आपका 9, 8, 17 और 17, 6, 23, 1, 24 और 2 कितना हो जाएगा आपका 26। अब बताइए क्या 26 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। अगर ये 26 3 से नहीं कटेगा तो पूरी संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। इस नियम को समझ गए हैं, तो अब देखिए चौथे नियम को बता रहे हैं। आपको इस कंसेप्ट में ये समझना है कि अंतिम के 2 अंक 4 से कटें या लास्ट के 2 या 2 से अधिक 0 हो, तो इसमें आपको ये चेक करना है कि इस संख्या के लास्ट के 2 अंक को आपको ऐसे टिक मार्क लगा लेना है और ये चेक करना है कि क्या ये संख्या 4 से कट, क्या इसके अंक में जो लास्ट में 2 अंक हैं क्या ये 4 से कट रहे हैं या 2 से अधिक 0 है। तो देखिए इसमें 2 0 है, ये संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। 28 है, 28 4 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, तो संख्या पूरी किससे विभाज्य होगी, 4 से। लेकिन 22 देखिए 4 से नहीं कटेगा, तो ये संख्या 4 से विभाज्य नहीं होने वाली है, ध्यान रखिएगा। देखिए 00 है, तो 00 क्या ठीक से देखिए 2 या 2 से अधिक 0 हो, तो ये देखिए यहाँ पर 2 0 है, 3 0 है, 2 या 2 से अधिक 0 है, लास्ट में हमको कितना लेना है 2 0, ये संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। तो ये हमारे थे 2, 3, 4 से विभाज्यता के नियम। अब मैं आपको बताऊँगा 4, 5, 6, 8 से विभाज्यता का नियम, इसको थोड़ा जल्दी से देख लीजिए, ये आप समझ गए हैं। तो आगे देखिए 5 से विभाज्य संख्या,
पाँच से कौन कौन सी संख्या विभाज्य होगी, इसके लिए आपको नियम ध्यान देना है। नियम है कि अंतिम अंक पाँच या जीरो हो, संख्या का अंतिम अंक पाँच हो या जीरो हो, वो संख्या पाँच से पूरी पूरी विभाज्य होगी। अब आपको क्वेश्चंस में चेक करना है कि अंतिम अंक, तो संख्या का अंतिम अंक कितना है, पाँच है, जीरो है, तीन है। अब बताइए क्या अंतिम अंक पाँच हो और जीरो हो तो संख्या पाँच से कटेगी? सर कटेगी, ये वाली कट जाएगी, ये वाली पूरी संख्या पाँच से विभाज्य होगी। ये संख्या बताइए जीरो आ गया, पूरी तरीके से विभाज्य होगी। तीन आ गया, बताइए संख्या होगी क्या? नहीं होगी, ये संख्या पाँच से विभाज्य नहीं होगी। ये पाँच से विभाज्य का नियम था, इस ट्रिक को ध्यान रखिएगा। अब देखिए छः से भाज्य संख्या, वीडियो बहुत लंबी ना हो इसलिए थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूँ। देखिए पाँच से भाज्य का नियम, तो पाँच से भाज्य का नियम है कि संख्या दो और तीन से कटे, जो संख्या दी हुई है इस संख्या को आपको चेक करना है कि ये संख्या दो से और तीन से कटेगी तो ये पूरी संख्या छः से विभाज्य होगी। अब आपको पता है कि दो और तीन से विभाज्य का नियम क्या था, आप पीछे देख चुके हैं, मैं अभी बताया हूँ। जस्ट दो से पहले चेक करते हैं कि दो से नियम क्या था, तो दो से विभाज्यता का नियम था कि अगर संख्या के लास्ट में जीरो हो या कोई सम संख्या हो तो संख्या दो से विभाज्य होगी। तो बताइए इस संख्या के लास्ट में जीरो है तो बताइए दो से विभाज्य तो होगी संख्या। लेकिन अब तीन से चेक करना है, तो तीन से चेक करने का नियम था कि सभी अंकों को जोड़ के देखेंगे क्या वो संख्या तीन से कट जा रही है, तो संख्या तीन से विभाज्य होगी। अगर दो और तीन के नियम को ये फॉलो कर रहा है तो ये संख्या छः से विभाज्य होगी। तो तीन के लिए क्या नियम था कि सभी नंबर को जोड़ना था, छः तीन नौ दो और चार, जोड़ लीजिए छः तीन नौ और नौ नौ अठारह, अठारह दो बीस और चार चौबीस। बताइए चौबीस तीन से कटेगा? सर बिल्कुल कटेगा, ये तीन से भी कट गया और देखिए दो का नियम भी फॉलो हो गया, तो दो और तीन से जो संख्या कटेगी वो संख्या छः से भी कटेगी, ये पूरी संख्या छः से विभाज्य होगी। बहुत आसान है फ्रेंड्स, बहुत आसान है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है। देखिए आठ से भाज्यता का नियम क्या है, तो आप इसे समझिए, इसका नियम समझिए, अंतिम के तीन अंक से बनी संख्या आठ से कट जाए, जो नंबर आपके दिए हैं उसका आप इकाई दहाई सैकड़ा लास्ट के तीन अंक को बना लीजिए और देखिए कि वह संख्या आठ से कट जा रही है। अगर वो संख्या आठ से कट जाएगी पूरी संख्या भी आठ से विभाज्य होगी। अब तो आपके लास्ट तीन अंक कैसे बनाने हैं, ध्यान रखिए इकाई दहाई सैकड़ा, लास्ट के तीन अंक आपके 128 होंगे, इसमें 240 होगा और इसमें होगा आपका 256, बताइए 128 आठ से कटेगा। देखिए चेक करिए, चेक करिए, आठ से कम आठ और आठ छक 48, ये कट गया तो पूरी संख्या भी किससे कटेगी, आठ से कटेगी। अब देखिए 240 है, बताइए 240 आठ से कटेगा, आठ तिरके 24 कट जाएगा, ये पूरी संख्या भी किससे कटेगी, आठ से। अब यहाँ चेक करिए आठ तिरके 24, एक हासिल गया 16, आठ दूनी 16, ये 256 भी आठ से कट गया तो पूरी संख्या भी आठ से भाज्य होगी। तो आई होप ये चीज़ समझ गए होंगे कि पाँच से छः से और आठ से भाज्यता का नियम क्या है, ये संख्या कौन कौन से संख्या को काटेंगी, पाँच किसको काटेगा, छः किसको काटेगा, आठ किसको काटेगा। तो अब आइए देखते हैं नौ दस और ग्यारह से विभाज्य संख्या कौन सी है, तो आप पूरा वीडियो देखते रहिएगा। देखिए आगे देखिए नौ से भाज्य का नियम क्या है, नौ से भाज्य के नियम के लिए आपको सबसे पहले नियम देखना है, नियम इम्पोर्टेंट है, संख्या के अंकों का योगफल नौ से कटे। अब समझिए ध्यान से, नौ से भाज्य संख्या का नियम है कि जो संख्या आपको दी हुई है उन संख्या का जो योगफल है, अंकों का योगफल है, वो नौ से कटना चाहिए। तो देखिए देखिए पाँच अंकों का योगफल कितना होगा, देखिए पाँच सात और प्लस छः, सात पाँच बारह छः अठारह। अब बताइए अठारह नौ से कटेगा, सर कटेगा, न दूनी अठारह, जब ये अठारह नौ से कट गया तो ये पूरी संख्या भी किससे कटेगी, नौ से कटेगी, नौ से संख्या विभाज्य होगी। अब देखिए दस से भाज्य का नियम, दस से भाज्य का नियम क्या है, यह उसके इकाई का अंक क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तो वो संख्या दस से विभाज्य होगी। देखिए ग्यारह से विभाज्य संख्या कौन कौन सी है, इसके लिए नियम है, थोड़ा सा इसे आपको समझना पड़ेगा। देखिए संख्या के सम एवं विषम अंकों का योग क्रमशः बराबर या उनका अंतर 11 से कटना चाहिए। अब देखिए इसे समझ लीजिए बहुत आसान भाषा में, जो संख्या आपको दी हुई है उस संख्या में आपको देखना है कि उस संख्या का सम संख्या और विषम संख्या दोनों का
जो योग है वो क्रमशः बराबर होना चाहिए, या दोनों का अंतर 11 से अगर कटेगा तो पूरी संख्या 11 से कटेगी। इसके लिए आपको क्या करना है, जो संख्या दी है उस संख्या का आप नंबरिंग कर लीजिए, इसको एक करिए, दो करिए, तीन करिए, चार करिए, पाँच करिए, छः करिए और सात करिए। अब इसमें आपको ये देखना है कि इसमें सम संख्या कौन है, विषम संख्या, तो यहाँ पर आपको सम लिखना है और यहाँ पर विषम लिखना है। अब देखिए सम और विषम, बताइए दो सम है, चार सम है और छः क्या है, सम है। दो के ऊपर कितना है, दो है, प्लस चार के ऊपर कितना है, पाँच है, प्लस देखिए छः के ऊपर कितना है, आठ है। इन दोनों को जोड़ लीजिए, देखिए आठ दो दस पाँच पंद्रह, ये मिल गया आपका पंद्रह। सम संख्या का योग कितना मिला, पंद्रह। अब देखिए विषम संख्या चेक करिए, एक है, तीन है, पाँच है और सात है। एक के ऊपर कितना है, तीन है। अब देखिए तीन के ऊपर कितना है, चार है, और पाँच के ऊपर कितना है, छः है, और सात के ऊपर कितना है, दो है। सभी को जोड़िए, चार तीन सात और सात छः तेरह दो पंद्रह, ये आगे आपका पंद्रह। सम और विषम संख्या की योग क्रमशः क्या है, बराबर है। जब बराबर हो जाएंगे तो ये संख्या आपकी ग्यारह से विभाज्य होगी। बहुत आसान है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है। आप एक बार सभी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर आप करिए। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में आपको एक घंटी मिलेगी, उसको आप ऑल कर दीजिए, ताकि जब भी मैं इसका सेकेंड पार्ट बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए और वीडियो को आप देख सकें। तो उम्मीद करते हैं सभी पॉइंट समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।